जय श्री राम। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो कहते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान हमारा, मीर मोज हमारा, मन करे तुम्हारा फूफा भी मारा, तुम्हारा जीजा भी मारा। अरे तुम्हारे खानदान में किसी के कभी महल हुए हो तो एक दो का नाम बता दो। तुमने तो पैसे चुरा चुरा के अपना घर पूरा किया, हमने अब तक किसी को बताई क्या? बताई क्या? अब कहते मीर मोज हमारा। अब वो एक कहने लगा जी पृथ्वीराज चौहान तो जो जाट था, एक का एक गुजर था, एक का था जाट था। मैंने कहा डीएनए करा लो, पता चलेगा तुम पड़ोसी की औलाद निकलोगे। जाट गुजरों को गाली दी, इन्होंने डीजे ऐसे बजाए, गंदे गंदे गाने गाने बजाए हैं, रिवाल्वर राइफल ले रहे हैं और ये क्रिमिनल केस नहीं बना रहे। हमारी अपील सिर्फ ये है सूरज पाल अम्मू से, जल्द से जल्द, जितने जल्द से जल्द हो सके माफी मांग ले, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। वोट तो मिलती रहती है, कोई अपने समाज के लिए भी तो मर के देख रहा। और 36 बिरादरी को गाली दी है उसने, उसने 36 बिरादरी की महिलाओं का ठेस पहुंचाया है। सूरज पाल अम्बू और कोई इतने बड़े महान नेता नहीं बन रहे अपने आप को। इनका बैकग्राउंड उठा के देख लो, इनको देख लो, यूट्यूब पे चाटे पड़ते हुए वीडियो इन पे। अगर तो इन्होंने केस दर्ज नहीं करा तो बात तो देखिए आंदोलन तो बड़ा होगा, और जो करना है ना मेरा कर ले जा, आ जा। इसके घर में तो कुछ मेंटली डिस्टर्ब रहता है, खुद कब्र में पैर झूल रहे हैं, पर ये ना बीज बो के चला गया, यहाँ बीज बो के चला गया जी। उन्होंने उल्टा सीधा बोला था गुजर बिरादरी के बारे में, उन्हें खुद को नहीं पता कि महाराणा प्रताप कौन थे। तो सबसे पहले जिसने ये बात बोली उसका डीएनए चेक कराएंगे हम कि वो राजपूत है कि नहीं।